नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से था। पिछली बार जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने आई थी तो बाजी आरआर ने मारी थी। गुलाबी शहर में ये मुकाबला था, लेकिन धोनी के फैंस ने इसे पीला समंदर बना दिया। धोनी जहां भी जाते हैं फैंस परछाई की तरह उनका साथ देते हैं। आज जब सिक्का उछला तो गिरा संजू के पक्ष में और मेहमानों को कहा पहले गेंदबाजी कीजिए आप। बैटिंग करने उतरी राजस्थान की टीम, जिनके ओपनर जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने वही किया जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम करना चाहती है, पावर प्ले में तेजी से रन बनाना और विकेट ना गंवाना। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े और उसके बाद जॉस बटलर के रूप में राजस्थान ने अपना पहला विकेट गंवाया। दूसरे छोर पे यशस्वी ने सीएसके के गेंदबाजों पर प्रहार जारी रखा। आज उन्होंने इस आईपीएल सीजन का अपना तीसरा अर्धशतक लगाया। 43 गेंदों में 77 रनों की एक खूबसूरत पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। बीच के ओवर्स में सीएसके वापसी करती दिख रही थी, लग रहा था ये बड़ा स्कोर नहीं बनेगा, लेकिन अंत के ओवरों में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल ने कमाल की बैटिंग की और राजस्थान को 200 रनों का आंकड़ा पार कराया। ध्रुव ने 15 गेंदों में 34 रन बनाए, जबकि पडिक्कल ने 13 गेंदों में 27 रनों की एक अच्छी पारी खेली और राजस्थान ने बनाए 20 ओवर में 202 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चेन्नई के लिए तुषार देशपांडे ने 2 विकेट जरूर लिया, लेकिन उन्होंने 42 रन दिया। तीक्ष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की, 24 रन देकर 1 विकेट लिया। तो वहीं रनों का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम को उनके सलामी बल्लेबाजों से एक और कारनामे की उम्मीद थी। वो उस रास्ते पे चल भी रहे थे, लेकिन पावर प्ले की आखिरी गेंद पर एडम जैम्पा ने कॉनवे को पवेलियन का रास्ता दिखाया और चेन्नई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गायकवाड़ अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन जैम्पा ने उन्हें भी आउट कर दिया और चेन्नई की परेशानियों को बढ़ा दिया। उसके बाद 2 बैक टू बैक विकेट गिरे और राजस्थान ने इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। शिवम दुबे ने आज फिर एक बार आतिशबाजी की, 33 गेंदों में 52 रन की एक आक्रामक पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उनके इस पारी की वजह से लग रहा था कि सीएसके शायद इस मैच में वापसी करे और फिर एक बार मुकाबला आखिरी गेंद तक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ से उस तरह की पारी नहीं खेली किसी ने। आज शुरुआती ओवर्स में सीएसके ने काफी धीमी गति से बैटिंग की। आखिरी ओवर में सीएसके को चाहिए थे 37 रन और बनाए सिर्फ 4 रन। राजस्थान ने इस मुकाबले को आसानी से 32 रनों से जीत लिया और पहुंच गए अंक तालिका में सबसे ऊपर। जैम्पा ने शानदार गेंदबाजी की, 3 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की। उनकी इस जीत के हीरो बने यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 43 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं आज की बात करें तो आज मोहाली में पंजाब के सामने होगी लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों ही टीमों ने अपने खेले गए 7 मुकाबलों में 4-4 मुकाबलों में जीत दर्ज की। दोनों के पॉइंट्स सेम हैं, लेकिन रन रेट की वजह से लखनऊ अंक तालिका में ऊपर है। पंजाब अपना पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस को उसके घर में हरा के आ रही है, ऐसे में उनका मनोबल काफी बड़ा होगा। शिखर धवन चोट की वजह से पिछले कुछ मैचों में नहीं खेले हैं, लेकिन हो सकता है आज वो इस मैच में खेलते नजर आए, जिससे उनकी बैटिंग लाइनअप और मजबूत हो जाएगी। हालांकि सच्चाई ये है कि अभी तक पंजाब की समस्या उनकी बैटिंग ही रही है। तो वहीं गेंदबाजी में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, अर्शदीप कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 2 गेंदों में 2 स्टंप्स तोड़ा था और आखिरी ओवर में टीम को जीत दिलाई थी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ का ये साल अभी तक अच्छा रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना पिछला मुकाबला हारा है, ऐसे में उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। उनकी बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन हुआ नहीं है जैसे लखनऊ चाहती है। खासकर दीपक हुड्डा से उस तरीके का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, जिसलिए वो जाने जाते हैं। कप्तान केएल राहुल से भी उम्मीदें होंगी लखनऊ को कि वो टीम को तेज शुरुआत दें इस सीजन। उनका स्ट्राइक रेट चर्चा का विषय बना हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज डिकॉक को मौका मिलेगा या नहीं। क्विंटन डिकॉक कमाल की फॉर्म में है, तो देखते हैं आज कौन बनेगा मोहाली में किंग। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीबीएन 24।